आज हम देखेंगे पॉलिन पिस्टिल इंट्रैक्शन। इनमें कंटेंट है पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेनेन स्टिग्मा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन। इसमें हम फर्स्ट देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इसमें जो भी फ्लावर्स होते हैं इनमें पॉलिन ग्रेन जो पॉलिनेटर अर्थात इंसेक्ट या अन्य माध्यम से स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, यह प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाती है तथा इसके पश्चात जो भी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एवं फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसमें हम फर्स्ट देखेंगे पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। यह पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें एक्साइन, इंटाइन, इंटाइन वैक्यूल्स, ट्यूब सेल्स, ट्यूब न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल्स, एम जर्म पोल होते हैं। इनमें जो बाह्य भित्ति होती है वह एक्साइन कहलाती है। यह स्पोरोपोटेलेनिन नामक पदार्थ की मिलकर बनी होती है। इस एक्साइन की कैविटी में विशेष प्रकार के प्रोटीन जिसमें मुख्यतः एंजाइम, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड प्रेजेंट होती हैं। यह केमिकल सब्सटेंसेस जो कि पराग कोष की कैपिटम से प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ स्पोरोफाइटिक रिकॉग्निशन फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। पॉलन ट्यूब की इंटाइन में विभिन्न हैप्लोइड स्पोर्स, प्रोटीन्स एवं पॉलीसेकेराइड पाए जाते हैं। सेकेंड हम देखेंगे स्टिग्मा। यह फीमेल गैमिटोफाइट होती है। इनमें स्टिग्मा कुछ प्लांट में नम तथा कुछ प्लांट में शुष्क स्टिग्मा होते हैं। नम स्टिग्मा इसमें प्रोटीन, एमिनो एसिड, लिपिड्स जो कि फ्री प्रोटीन सिक्रेशन के रूप में पाए जाते हैं तथा ड्राई स्टिग्मा इसमें प्रोटीन, लिपिड्स एवं कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती हैं। इन दोनों के मध्य स्टिग्मा में प्रेजेंट केमिकल्स और पोलन ग्रेन में प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंसेस के मध्य जो इंट्रैक्शन होती है इसे ही पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। स्टिग्मा पर उपस्थित या पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन इन्हीं केमिकल पदार्थ के मध्य होने वाले इंट्रैक्शन पर निर्भर करता है। इसके बाद हम देखेंगे पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। ऑफ्टन पोलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पैटिबल आल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। इसमें पॉलिनेशन के द्वारा यह गारंटी नहीं होती है कि इनमें राइट टाइप के पोलन का या राइट टाइप के पोलन का स्टिग्मा पर लैंड होता है, अर्थात इनमें रॉन्ग टाइप के पॉलन भी आ सकते हैं। इनमें विभिन्न अदर स्पीसीज के या उसी प्लांट्स के पॉलन ग्रेन आते हैं जो कि सेल्फ इनकम्पैटिबल होती हैं जिससे पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करता है। पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ राइट टाइप कंपैटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल। पिस्टिल की यह एबिलिटी होती है कि यह जो भी पॉलन ग्रेन होती हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करता है कि वह राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है। यदि वह राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है तो वह कंपैटिबल होगा और पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यदि वह रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन है तो यह इनकम्पैटिबल होगा तथा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो कि सभी प्लांट्स का एक फिनोमिना होती है। इनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी से तात्पर्य यह है कि किसी भी प्लांट्स के फ्लावर में जो भी फ्लावर्स के एक ही फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट्स के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो वह कंपैटिबल नहीं होता है तथा उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन भी कंपैटिबल नहीं होते हैं। यह अदर प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होती हैं वह इनमें इनके लिए इनकम्पैटिबल होती है जिसके कारण पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तथा उसी प्लांट्स के या उसी फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वह इनकम्पैटिबल होती हैं तथा इनसे पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करती है। पिस्टिल की यही एबिलिटी होती है कि यह जो पॉलन ग्रेन होती है उन्हें स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जो लैंड करते ही हैं शीघ्र ही रिकॉग्नाइज कर लेती है और जो कंपैटिबल होती हैं उनके द्वारा यह पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तथा फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है।
पोलेन विल नॉट जर्मिनेट और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स, या जो उसी प्लांट्स के फ्लावर्स के जो पोलेन ग्रेन होती हैं वह अगर स्टिग्मा पर लैंड करती हैं तो वह जर्मिनेट नहीं करती है, प्रमोट आउट क्रॉसिंग, या जो सेम स्पीसीज बट अदर प्लांट्स के जो पोलेन ग्रेन होती है वह स्टिग्मा पर लैंड करती है तो वह कंपेटिबल होती है एवं पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, यह आउट क्रॉसिंग को प्रमोट करती है, पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन। पेक्टिस एंजाइम रिलीज्ड बाय पोलेन ग्रेन, इनमें जो यदि पिस्टिल यह रिकॉग्नाइज करता है कि पोलेन ग्रेन राइट टाइप का होता है तो यह कंपेटिबल होता है, तथा पोलेन ग्रेन एक पेक्टिस एंजाइम को रिलीज करता है, यह पेक्टिस एंजाइम डिसॉल्व पेक्टिन। पेक्टिस एंजाइम जो भी स्टिग्मा पिस्टिल में पैक्टिन प्रेजेंट होती हैं उन्हें डिसॉल्व करता है, यह पैक्टिन स्टाइल में प्रेजेंट होती है, यह पैक्टिस एंजाइम इस पैक्टिन को डिसॉल्व करता है, तथा यह पैक्टिन सब्सटेंसेस प्लस वाटर एब्सॉर्ब बाय पोलेन ग्रेन, जो पैक्टिन होती हैं वह डिसॉल्व होने के बाद तथा वाटर ये दोनों पोलेन ग्रेन द्वारा एब्सॉर्ब कर लेती हैं। कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग, यह जो भी पोलेन ग्रेन होती है और पिस्टिल के मध्य केमिकल रिलीज होते हैं जिससे यह पता चलता है कि पोलेन ग्रेन ने उसे एब्सॉर्ब कर लिया है, और इसके पश्चात पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड पोलेन ट्यूब, इसमें वाटर एवं पैक्टिन सब्सटेंसेस को पोलेन ग्रेन द्वारा एब्सॉर्ब कर लेने के पश्चात यह स्वैलप होने लगती हैं, एवं जो भी पोलेन ग्रेन के जर्म पोर होती हैं वहाँ से यह पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पोलेन ट्यूब ग्रोथ ऑन स्टिग्मा, यह पोलेन ट्यूब स्टिग्मा पर ग्रो करने लगता है, इसमें हम पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन देखेंगे। पोलेन ट्यूब जो पोलेन ग्रेन्स होती हैं इनमें एक्साइन इंटाइन न्यूक्लियस साइटोप्लास्ट जर्मपोर आदि प्रेजेंट होती हैं, इनमें एक ट्यूब न्यूक्लियस तथा एक जनरेटिव सेल्स पाए जाते हैं। जब यह जो पोलेन ग्रेन होती है वह पैक्टिन एवं वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती है, उसके पश्चात यह स्वैलप होने लगती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यह ट्यूब जर्म पोर से निकलती है तथा यह स्टिग्मा पर ग्रो करती है, ये जनरेटिव सेल्स होती हैं, यह आगे चलकर टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाती हैं। पोलेन ट्यूब फर्स्ट है मोनोसाइफेनस, सिंगल पोलेन ट्यूब विल बी फॉर्म्ड, सेकेंड है पॉलीसाइफेनस, मैनी पोलेन ट्यूब विल बी फॉर्म्ड, इसमें अगर सिंगल टाइप के पोलेन यदि पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन एक ही पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो यह मोनोसाइफेनस कहलाता है, और यदि एक से अधिक पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो यह पॉलीसाइफोनस कहलाता है। इसमें पॉलीसाइफोनस का एग्जांपल है वेरी कॉमन केस इन फैमिली मालवेसी कुल में इस प्रकार के पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ओनली वन पोलेन ट्यूब इंटर इन एम्ब्रॉय सैक, इसमें एक से अधिक पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होने के पश्चात भी इसमें केवल एक ही पोलेन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है। इस पोलेन ट्यूब के ग्रो करने के समय जो स्टाइल होती हैं यदि यह होलो टाइप अर्थात यह इसमें टिश्यूज अब्सेंट होती हैं तो यह आसानी से यह ओवरी तक पहुंचता है, किंतु यदि स्टाइल सॉलिड टाइप होती है तो इनमें टिश्यू प्रेजेंट होती हैं जिससे इन्हें इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं जिसके कारण यह आसानी से नीचे जाने में दिक्कत होती है, जिससे जो मेल गैमेट्स होती है वह ऊपर की ओर बैक फ्लो करते हैं। इसे रोकने के लिए इनमें पोलेन ट्यूब में कैलोस प्लग होती हैं जो कि मेल गैमेट को ऊपर जाने से रोकते हैं। कैलोस प्लग यही प्रेजेंट इन पोलेन ट्यूब में प्रेजेंट होती हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ मेल गैमेट, या अगर सॉलिड टाइप का स्टाइल है तो उनमें मेल गैमेट्स ऊपर की ओर बैक फ्लो करते हैं, तथा इसके लिए इनमें कैलोज प्लग्स लगे होती हैं जो इन्हें ब्लैक मेल गैमेट्स के बैक फ्लो होने से रोकती है। पोलेन ट्यूब गाइडेंस, इनमें पोलेन ट्यूब की गाइडेंस के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस होती हैं जो कि
ओव्यूल में, ओव्यूल के सिनर्जिड सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनमें पोलन ट्यूब जब ग्रो करने लगती है तो यह जब यह एम्ब्रियो सैक के पास पहुंचती है तो इनमें जो भी सिनर्जिड ओव्यूल में जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं उनमें फिलीफॉर्म या फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होती हैं जो पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं एंटर करने के लिए। यह एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब या पोलन ट्यूब तीन प्रकार से एंट्री करता है, पहला पोरोगैमी, दूसरा चैलेजोगैमी, तीसरा है मेसोगैमी। इनमें फर्स्ट है पोरोगैमी। यदि पोलन ट्यूब माइक्रोफाइल एंड से इंटर करता है तो यह माइक्रोफाइल भाग से इंटर करता है तो यह पोरोगैमी कहलाता है। सेकंड है चैलेजोगैमी। यदि जो पोलन ट्यूब होती है वह चैलेजल पार्ट से एंट्री करती है तो यह चैलेजोगैमी कहलाती है, तथा जो ये पोलन ट्यूब होती है वह इंट्यूगमेंट के पार्ट से के थ्रू एंट्री करती है तो यह मेसोगैमी कहलाती है। प्रोगैमी या फ्लावरिंग प्रोगैमी फ्लावरिंग प्लांट्स में पाई जाती है, चैलेजोगैमी या कैसोरिना में पाई जाती है, और मेसोगैमी या कुकुरबिटा में पाई जाती है। इसमें हम देखेंगे आगे है फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो सेक में एंट्री होने के बाद जो मेल गैमेट्स होती हैं वह रिलीज हो जाती हैं। इनमें एम्ब्रियो सेक में पहुंचने के बाद यह जो मेल गैमेट्स होती है वह रिलीज़ हो जाती है। इनमें जो फर्स्ट मेल गैमेट होती है वह एक सेल के साथ फर्टिलाइज करता है एवं जाइगोट बनाता है या जाइगोट एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करती है, तथा जो सेकेंड मेल गैमेट होती है जो सेकेंड मेल गैमेट होती है वह सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करती है जिसे ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं, यह एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। इनमें यह इसे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रकार जो पोलन एवं पिस्टिल के मध्य विभिन्न केमिकल डायलॉग कंटिन्यूस केमिकल डायलॉग के मध्य किसे के कारण जो इंट्रैक्शन होता है उन्हें पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन कहते हैं, और इसके थ्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होती है।